जी स्टूडेंट्स, ये केस थ्री है हमारे पास, इसमें भी एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमने फिर वही स्टेप पुराने रिपीट करने हैं जो केस वन और टू में किए थे। वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स, वाई प्राइम आ जाएगा एम ई रेज टू पावर एम एक्स, और वाई डबल प्राइम आ जाएगा एम स्केयर ई रेज टू पावर एम एक्स। ये मेरे पास इक्वेशन वन थी। अभी ये वैल्यूज हमने वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम और वाई की इक्वेशन वन में पुट करनी है। तो वाई डबल प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा एम स्केयर ई रेज टू पावर एम एक्स और प्लस फोर, इसके बाद वाई प्राइम की है एम ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस सेवन, वाई की है ई रेज टू पावर एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। वही स्टेप, ये कॉमन आ गया, पीछे बच गया हमारे पास सॉरी एम स्केयर है, एम टू नहीं है, प्लस फोर एम प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये उधर जाके कट गया, पीछे बच के हमारे पास एम स्केयर प्लस फोर एम प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। जी यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, एम इज इक्वल टू माइनस बी, तो यानी माइनस फोर प्लस माइनस बी स्केयर, यानी फोर स्केयर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू सेवन है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर भी अप्लाई किया, ओवर टू इंटू ए यानी वन। तो ये देखें बनता है माइनस फोर प्लस माइनस, ये देखें बनता है हमारे पास सिक्सटीन माइनस ये सेवन फोर ट्वेंटी एट, ये और नीचे बच गया हमारे पास टू। तो ये हमारे पास बन गया माइनस फोर प्लस माइनस, ये बनता है माइनस ट्वेल्व और ये बचता ओवर टू। ये हमारे पास बन जाएगा माइनस फोर प्लस माइनस, ये देखें ये फोर इंटू माइनस थ्री, हम इसको लिख देंगे सिंपल करने के लिए, ओवर टू। तो ये बन जाएगा माइनस फोर प्लस माइनस, ये बन जाएगा देखें फोर का, ये टू का स्केयर फोर होता है, तो ये स्केयर इसे कट जाएगा, तो ये टू बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा स्केयर रूट थ्री, और ये माइनस वन जो है इसको हम लिख देंगे बाहर निकाल के एटा, क्योंकि स्केयर रूट माइनस वन हमारे पास एटा होता है, ओवर टू। तो देखें ये ऊपर से टू हमने कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा माइनस टू प्लस माइनस स्केयर रूट थ्री एटा ओवर टू। तो ये कट गए, तो हमारे पास एम की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू प्लस माइनस स्केयर रूट थ्री एटा। तो यहाँ पर देखें अभी हमने क्या करना था, एम वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू प्लस माइनस प्लस थ्री एटा, और इसी तरह एम टू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस टू माइनस स्केयर रूट थ्री एटा। यहाँ से भी हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा पहली वैल्यू, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से स्केयर रूट बीटा इज इक्वल टू स्केयर रूट थ्री, क्योंकि यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा एटा है और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा एटा है। तो ये देखें ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू ने फाइंड आउट कर ली। तो अभी हमने अपनी जी, तो यहाँ पर देखें कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर केस थ्री अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये देखें कॉन्जुगेट सिस्टम आ गया। तो केस थ्री में हमारे पास वाई की वैल्यू क्या थी, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, और अंदर था हमारे पास सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला था, इसमें भी अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स और ब्रैकेट में सी वन कॉस स्केयर रूट थ्री एक्स प्लस सी टू साइन स्केयर रूट थ्री एक्स। जी तो ये हमारे पास आ गया आंसर केस थ्री के, केस थ्री के एग्जांपल का। तो इसी तरह एक्सरसाइज के भी जितने भी क्वेश्चन हैं तकरीबन इसी तरह ही होंगे।